We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. यार तो सीन कुछ ऐसे है कि फेयरवेल भी है आज के दिन, तो फेयरवेल इंशाल्लाह हम इंजॉय करेंगे। तो अभी खैर हम दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं साथ चले जाए वहाँ पे, थोड़ा वेट करते हैं उसके बाद चलते हैं। हाँ रियान भाई क्या बना, भाग गया लड़का फिर से? डर गया है यार, हैं फट गई है ब्लॉग चल रहा है वरना गंदी गाड़ी। अच्छा चल खैर है, दे दे तू अपनी दिल की बड़ास निकाल, मैं आड़ू को वो करूँगा साइलेंट। ना कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज समी पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होशन भी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवान की दीवान की दीवान की है, ना कोई टेंशन ना रहबर जुजेर भाई को फर्स्ट टाइम हम वीडियोग्राफी का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, आइंदा कभी नहीं देंगे मुझे। क्यों यार? बस ये जब आप मेरे स्किल्स चेक करेंगे ना। यार आपने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं दी यार? अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, स्विच करना है या नहीं करना है? यार कर लेंगे। कर लोगे? साद भाई यार खामोश बैठे हो यार, क्या सीन है? क्या एक्सपेक्टेशन है आज के दिन के बारे में? खाना खाने आए चलो। अब मुझे लगता है कि हमारे टीम वाले लेट्स मेक सम नॉइस फॉर बीबीए। Yeah, baby boy, so
ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਓ ਹੋ ਹੋ
सिंपल है, दादा का टाइटल सबको पता है, इट्स दादा। मिसबा किधर है? मिसबा जानी का टाइटल है रोंदू कप्तान। जाने कैसा वो ख्वाब था, एक शराब था सीने में दिल जल गया। पुलिस भाई आपने घर क्या बताया है? आपने घर क्या बताया? फेयरवेल पे जा रहे हैं, 12 बजे तक वापस आ जाएंगे। कह रहा यार मैं घर में नहीं रहता, पहली बात मजे है आप, मैं हॉस्टल में रहता हूँ तो मुझे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मजे हैं, हाँ मेरे घर वालों ने मेरे से पूछे नहीं मेरा फेयरवेल है। मेरे घर वालों को पता नहीं है। मेरे घर वालों ने पूछा था वो बैच शादी के बाद, मैंने कहा कि फ्राइडे को फेयरवेल है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि 12 बजे खत्म होगी, उसके बाद वापस घर कैसे जाऊंगा। फिर आज जब हमारा सीन सेट हुआ तो मैं घर गया, मैंने कहा कि मैं फेयरवेल पे जा रहा हूँ और वापसी पे मैं हॉस्टल घूमूंगा। तो ये हमारा हॉस्टल है। मुझे आपने हॉस्टल का बताया कि नाइटर लगा रहे हो, बस देख लेंगे यार, होना चाहिए कुछ इस तरह से। हाँ करना भाई, दोस्तों के साथ ये लास्ट टाइम है आपका तो होना चाहिए, लाजिम जाहिर सी बात है। हाँ यार तो अभी ये है, ये है मॉल, मॉल रोड के क्या है यार मरी में जो कि वाक़ है। तो कोई हम 50 जो स्टूडेंट्स थे फेयरवेल के बाद हम आए थे F10 के बाद, फिर हम आए हैं यहाँ पे मॉल रोड पे। तो कोई 1.5 घंटे का सेट शायद सफ़र है इस्लामाबाद से इधर तक, ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर्स, लेकिन रास्ता क्योंकि इतना सही नहीं है तो आप सही ज़्यादा स्पीड के साथ आप नहीं आ सकते। जो हमारा फेयरवेल था वो तकरीबन आखिर को आप पहुँचाए, तो अभी रिटर्न करते हैं हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल जाके हो सकते हैं हम कुछ दूसरा प्लान करें, लेकिन क्योंकि परसों हमारा फाइनल डिफेंस भी है तो इस वजह से शायद उसकी भी तैयारी करनी है। देख लेते हैं यार, अभी फ़िलहाल इधर है, इधर हो सकता है मैं आप लोगों को कुछ जगह दिखा सकूँ, फिर भी अभी भी टाइम है।